वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो 12.1 वी वर डूइंग, लेट अस कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर फोर, पेज नंबर 226। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर ईच। लुक एट योर बुक। Wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel will make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 kilometer per hour? First of all, try to understand what he wants to say. We are having a wheel. Its diameter is 80 centimeter. Wheel of car is there, whose diameter is 80 centimeter. Naturally, as the car is running, so the wheels are. ठीक है? Car run कर रही है, इसका मतलब wheels run कर रहे हैं. With which speed the wheel is running? At the speed of 66 kilometer per hour. Speed is equal to 66 kilometers per hour. With this speed, the car is running and moreover the wheel is running. How many revolutions does each wheel will make in 10 minutes? We want to find that in 10 minutes, how many revolutions this wheel will make. You know, revolution means, suppose this is the point when the wheel was stable. This was the point we are taking as initial point and the wheel is moving, right? So when we will say that the wheel has completed one complete revolution, when the wheel will move and will come back to the same point. Jab wheel move karega aur same point pe wapis aa jayega. And if this point come back to its position, then the wheel's whole boundary has to touch the surface of the अर्थ, राइट? ये पूरा चक्कर कब होगा? जब व्हील घूमेगा और व्हील का सारा जो सर्कमफेरेंस है, सारी जो बाउंड्री है, वो अर्थ को टच करेगी। दैट मींस कितना डिस्टेंस व्हील एक चक्कर में कवर करेगा, दैट विल बी इक्वल टू द होल बाउंड्री ऑफ द व्हील। एंड व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ द व्हील? रिप्रेजेंट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू दैट इन वन रेवोल्यूशन द व्हील विल कवर द डिस्टेंस एज मच एज इट इज as the circumference of the wheel. तो हम ये तो निकाल लेंगे कि एक revolution में उसने कितना distance cover किया, ठीक है? हम निकालना चाहते हैं वो कितनी revolution बनाएगा. सबसे पहले हम ये find करते हैं that how much distance it is covering in one revolution. Write down. Diameter is equal to, I think 88 है या 8 है? 80 centimeter. Diameter is equal to 80 centimeter. So radius is equal to 80 over 2. That is 40 centimeter. Distance covered by wheel. Distance covered by wheel in one revolution. एक चक्कर में उसने जितना distance cover किया, that is equal to circumference. आपको पता है जैसे छोटा व्हीकल हो उसके व्हील्स भी छोटे होते हैं, ठीक है? एंड जितना बड़ा व्हीकल हो उसके व्हील भी बड़े होते हैं, उस हिसाब से व्हील का डायामीटर बढ़ जाता है. और जब व्हील का डायामीटर बढ़ेगा, नेचुरली उसका सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा. और जितना सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा, उतना ही एक चक्कर में वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, ठीक है? सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 pi r. This is 2 into 22 by 7 into r. 176. इसको ऐसे ही रहने दो. Don't do the cutting or cutting तो होएगी नहीं. Don't make it in the decimal. Let it be as it is. इसको ऐसे ही रहने. This is the distance that the wheel is covering while making the one revolution. अब हम ये find करना चाहते हैं कि 10 minutes में wheel कितनी बार घूमेगा. That means we want to find the number of revolution.
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 10 मिनट्स में व्हील को डिस्टेंस कितना कवर करना है। डिस्टेंस आ जाएगा, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स। जैसे ये है, मान लो 10 मिनट्स में इतना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा, तो एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस, दूसरी में इतना, तीसरी में इतना, हर एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि व्हील छोटा बड़ा तो होता ही नहीं है। तो आपके पास जब टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और एक रेवोल्यूशन का जब डिस्टेंस आ जाएगा तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। आपके पास टोटल स्टूडेंट लिए हो 25 और बताया हो कि एक बच्चे को 5 कॉपीज देनी है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गॉट द नोटबुक्स, 5। सपोज यू आर हैविंग 100 नोटबुक्स एंड यू आर हैविंग 100 स्टूडेंट्स एंड 5 नोटबुक्स आर टू बी 100 नोटबुक्स एंड 5 नोटबुक्स आर टू बी गिवन फॉर टू ईच स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट विल गॉट 25। यानी कि जब भी हमें हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट होता है, हाउ मेनी, हाँ 20, हाउ मेनी के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, टोटल चीज को एक चीज के साथ क्या करते हैं, डिवाइड। अब हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी है, इसका मतलब हम टोटल डिस्टेंस को एक रेवोल्यूशन के डिस्टेंस के साथ क्या करेंगे, डिवाइड। एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस आपके पास आ गया, अब आप निकालोगे टोटल डिस्टेंस कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स में। देखें जरा, अब हमारा कंसर्न डिस्टेंस ही है, जब तक हमें डिस्टेंस नहीं पता चलेगा हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस नहीं पता चलेंगे। यहाँ पे स्पीड दी हुई है, ध्यान से देखना, मैंने इसी को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। स्पीड इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब व्हील एक आवर में, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 66 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, दिस इज इक्वल टू 66 किलोमीटर। As the question is in terms of centimeters, so let us convert it in terms of centimeters. First of all, I will convert it into meters. Kilometers into meters, multiply by 1000. And then meters into centimeter, multiply by 100. So I convert kilometer into centimeters. Kilometers into meters and then meters into centimeters. This is distance covered in 1 hour. हमें कितने मिनट्स में चाहिए, हमें डिस्टेंस कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स में। हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर मींस 60 मिनट्स, 1 आवर मींस 60 मिनट्स। हमें चाहिए 10 मिनट्स का, यूनिटरी मेथड लगाएं, 60 के बाद पहले किसका निकालेंगे, 1 का। यूनिटरी मेथड में हमेशा पहले 1 का निकलता है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 66 इंटू 1000 into 100 over 60 get cancelled, 11 along with 4 zeros. This is distance covered in 1 minute. हमें चाहिए कितने minutes में, 10 minutes में। चलिए unitary method again, distance covered in 10 minutes, ज्यादा से कम में गए divide हुआ, कम से ज्यादा में आए तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई, डायरेक्ट वेरिएशन, 11 अलोंग विथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 10 मिनट्स का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, दिस मच डिस्टेंस द व्हील इज कवरिंग इन 10 मिनट्स। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, दिस टोटल डिस्टेंस आ गया, एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस आ गया, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, किसको किससे डिवाइड करोगे, टोटल डिस्टेंस को एक रेवोल्यूशन के डिस्टेंस। चलिए राइट डाउन, देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड by the wheel in 10 minutes is equal to distance covered in 10 minutes over distance of 1 revolution. distance covered in 10 minutes over distance of 1 revolution.
So what is the difference distance covered in 10 minutes? 11 along with 5 zeros over 1, 7, 6, 0 over 7. Okay. इसको ऊपर ले जाओ, 7 को डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लिकेशन. अगर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे वाली चीज भी रेसिप्रोकल हो जाती है. दैट मीन 7 ऊपर आ जाएगा एंड 1760 नीचे. 00 गेट कैंसिल. ये 11 के टेबल पे कट हो जाएगा. Four, three, seven, five will be the number of revolutions. जब भी कभी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का क्वेश्चन आए ना, तो आपने टोटल डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन लगाना है. टोटल डिस्टेंस जितने टाइम में उसने पूछा होगा. यहाँ पे 10 मिनट्स में पूछा था, 10 मिनट्स लगा दिया. 50 मिनट्स में पूछता तो 50 मिनट्स लगा देते एंड अकॉर्डिंगली. राइट, टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट्स ओवर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन. Let us start with the last question of the exercise. इधर वाली साइड का रूप रखो. इधर वाला भी नहीं किया, करो करो. One hour का distance converted to 60 minutes, converted to 1 minute, then converted to 10 minutes. चलो. Next question, last question of the exercise, question number 5. If the perimeter and area of the circle are numerically equal, then what will be the radius of the circle? Let R be the radius of the circle. Let R be the radius of the circle. According to question, perimeter is equal to area. That means 2 pi r is equal to pi r square, right? Pi, pi get cancelled and even r, r get cancelled. So you are left with r is equal to 2. ठीक है calculation? नहीं पता चली? पता चलनी भी नहीं चाहिए. जस्ट वेट, 2 पाई आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. आर स्क्वेयर को नीचे ले आओ, उधर वन रह गया, पाई था ना साथ में, पाई को भी, पाई पाई कट, आर आर भी कट कर दो एक के. नहीं अभी भी नहीं समझ आएगी, नहीं आएगी समझ. चलो मैं दो बार लिख देती हूँ, आई एम राइटिंग इट टू टाइम्स. अब समझ आएगी. आर आर एंड आर गेट कैंसिल. 2 ओवर आर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाइंग आर इज इक्वल टू 2. इज इट ओके? माधव सिटिंग एट होम गिविंग द थंब इंप्रेशन एंड देन ज्वाइनिंग द हैंड. थैंक्स कर रहा है कि आपने कैलकुलेशन थोड़ी कर दी ज्यादा हमारे लिए. चलो एनी हाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर. नाइन्थ में आपने सर्कल्स चैप्टर किया था, है ना?
तो सर्कल चैप्टर जब आपने किया था, सर्कल मैंने नहीं पढ़ाया ना 9th में आपको? हाँ 9th में जब हमने सर्कल चैप्टर किया तो आपको याद होगा हमने डेफिनेशंस की थी, सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, माइनर मेजर सेगमेंट, रिमेम्बर? धुंधली धुंधली सी याद है, चलो धुंध हटाते हैं फिर थोड़ी सी और अच्छे से देखते हैं, ठीक है? चलिए तो हम पहले बात करेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज द माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल? रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई, हाँ जी, एंड एन आर, रीजन इनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर। इसको जरा हम डिजाइनिंग करें इसकी। ये हमारा सर्कल, ये इसका सेंटर, ये बनी दो रेडियाई, ये आया कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। दो रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। दिस इज माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। एंड यहाँ पे माइनर आर्क होते हैं, एंड माइनर आर्क, दो रेडियाई और माइनर आर्क, ये आपको दिख ही रहा होगा। सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू आर्क्स, वन इज अबव अनदर इज बिलो, बिलो वन इज द माइनर, राइट? छोटा आर्क, इसकी लेंथ कम है। चलिए अब आइए जरा मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल, मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल, रीजन इनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई एंड मेजर आर, टू रेडियाई एंड मेजर आर। देखें जरा, दिस इज द सर्कल, दीज आर द टू रेडियाई, दिस इज द माइनर आर्क एंड अबव वन इज द मेजर आर्क। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेजर सेक्टर विल बी दिस वन, दिस इज मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड माइनर सेक्टर। रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड द माइनर आर्क इज द माइनर से माइनर सेक्टर। रीजन बिटवीन द टू रेडियाई एंड द मेजर आर्क इज नोन एज मेजर सेक्टर। अभी तक आपने सर्कल के एरिया का फॉर्मूला किया। कार्तिक क्या होता है सर्कल के एरिया का फॉर्मूला? एरिया ऑफ द सर्कल पाई, पाई आर स्क्वेयर, राइट? अब हम सेक्टर्स के एरिया का फॉर्मूला करेंगे। लेट अस सी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आपको पता है जब हम सर्कल के एरिया की बात करते हैं हम कहते हैं इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है? इस टाइम पे सेंटर पे कितना एंगल बन रहा होता है जब पूरे एरिया की बात करते हैं? 360 डिग्री ना। मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करवाऊंगी, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, वन वन मार्क है, पर फिर भी सुन लो। अगर एंगल 360 डिग्री था तो सर्कल का एरिया कितना होता था? पाई आर स्क्वायर। अगर सेंटर एंगल 360 डिग्री था देन एरिया ऑफ द सर्कल वॉज पाई आर स्क्वायर। अगर 1 डिग्री हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर ओवर 360, और अगर वही एंगल थीटा हो जाए देन पाई आर स्क्वायर ओवर 360। यूनिटरी मेथड, कम से ज्यादा से कम में गए डिवाइड, कम से ज्यादा में आ रहे हैं तो
मल्टीप्लाई, इसको आप ऐसे लिखो थीटा ओवर 360, थीटा वाली चीजें एक जगह पे कर लो, इनटू पाई आर स्क्वायर, थीटा ओवर 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। समझाती हूँ, अभी एक्सप्लेन करती हूँ। अगर एंगल 360 डिग्री था, सबको एरिया का फॉर्मूला आता है, यहाँ पे एंगल और एंड रेडियस दोनों का रोल होगा। देखो देखो ध्यान से, इधर देखो, अगर इस सेक्टर पे के सेंटर पे सर्कल की रेडियाई ने थीटा एंगल बनाया और सर्कल की रेडियाई आर है, ऐसा सेक्टर जिसका सेंटर पे एंगल थीटा एंड रेडियस आर है, हम उस सेक्टर का एरिया फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग की अपनी प्रीवियस नॉलेज से। हमें पता है कि अगर ये एंगल पूरा 360 डिग्री हो, पूरे सर्कल का एरिया 360 डिग्री एंगल होगा, तब एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर 1 डिग्री हो जाए, डिवाइड कर दो, 360 नीचे आ गया। हमें किसके लिए निकालना है सेंटर एंगल क्या हो? थीटा। तो मैंने यहाँ पे थीटा लिखा, तो कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जिसको तो डेरिवेशन समझ आई है, वेरी गुड। जिसको नहीं समझ आई तो वो फॉर्मूला याद करो। फिर कैसे याद करना है, कैसे याद करना है, अभी लिख रही हूँ। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल लिख लो पहले, विद रेडियस आर, विद रेडियस आर एंड एंगल एट द सेंटर एज थीटा। ऐसा सेक्टर जिसका रेडियस आर है और जिसका सेंटर पे एंगल थीटा है, दो चीजें चाहिए होंगी हमें हमेशा माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? वन इज रेडियस, अनदर इज सेंटर का एंगल। अगर दो चीजें हैं तभी सेक्टर का एरिया फाइंड कर पाओगे। ऐसा सेक्टर जिसका रेडियस आर है और जिसका सेंटर पे एंगल थीटा है, एरिया ऑफ दैट सेक्टर विल बी थीटा ओवर 360 डिग्री। थीटा ये मैंने इकट्ठे कर दिए, क्यों? क्योंकि ये सेम कैटेगरी की है, थीटा भी डिग्री में होता है, 360 भी डिग्री में। थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर फॉर एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। वेरी इजी टू लर्न, सारे थीटास को इकट्ठा कर दो, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। डेरिवेशन कहाँ आने लगी 1-1 मार्क में, ये तो मैंने वैसे समझा दिया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम एक मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखो यहाँ पे मैंने थीटा की बात नहीं की, अभी बताती हूँ। दो तरीके होते हैं, या तो आप सीधा ही लिखो, ध्यान से देखना जरा। अगर माइनर एंगल, माइनर सेक्टर का एंगल थीटा है, तो मेजर सेक्टर का एंगल क्या होएगा? 360 माइनस थीटा। वेरी गुड, सक्षम में है फ्रॉम 10th बी टेलिंग द राइट आंसर। अच्छा, कोई फंक्शन नहीं हो रहा यहाँ पे। दिस इज थीटा और मेजर सेक्टर का एंगल क्या होएगा? 360 माइनस थीटा, रिफ्लेक्स एंगल। तो फॉर्मूला वही, इंस्टेड ऑफ थीटा वी विल बी राइटिंग व्हाट? 360 माइनस थीटा ओवर 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। वेरी इजी टू लर्न, दोज हु नो व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इजीली फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ठीक है, 360 माइनस थीटा इनटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला कि आपके पास मेजर सेक्टर का निकालने का। वैसे अदरवाइज इट्स वेरी इजी कि अगर आपके पास माइनर सेक्टर का एरिया है और आपने मेजर सेक्टर का फाइंड करना है। देखो जरा ध्यान से, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो किसका आ जाएगा? मेजर सेक्टर का। अनदर वे आई एम राइटिंग, सो राइट डाउन ऑल्सो, यू कैन राइट इट लाइक एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू whole circle's area that is pi r square minus area of minor sector।
आपने अगर माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया एंड एट द सेम टाइम मेजर सेक्टर्स एरिया इज बीइंग आस्क्ड, देन व्हाट टू डू फ्रॉम द होल सर्कल्स एरिया, कट द माइनर सेक्टर्स एरिया. आप देखो जरा, इस पूरे सर्कल में से अगर मैं इतना हिस्सा रब कर दूं तो व्हाट इज लेफ्ट विद यू, मेजर सेक्टर. तो होल सर्कल्स एरिया माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर गिव यू द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हमें लगाना हो, मान लो सीधा ही मेजर सेक्टर का पूछ लिया, तब हमने सीधा ही फॉर्मूला लगा लिया. अगर माइनर निकाल के मेजर का पूछा है तो आप पाई आर स्क्वायर में से माइनर को माइनस कर. दैट मींस इन नटशेल यू विल रिमेंबर दैट वेदर टू फाइंड एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर और टू फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, यू योर टारगेट विल बी टू सी टू थिंग्स, वन इज थीटा, अनदर इज रेडियस. अगर क्वेश्चन में थीटा एंड रेडियस मिल गए आपको, देन द एरिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम यू, राइट. चलिए, सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ द माइनर सेक्टर एंड द मेजर सेक्टर. ऐसे कर रहा है जैसे इसको बोला गया कि इनॉग्रेशन कर दीजिए फंक्शन. ठीक है, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर की डेफिनेशंस. अच्छा जी, आपने कभी ऐसी कैलकुलेशन की है? टू टू कैंसिल, कैसे मतलब? कैसे मतलब? इसमें कट कर दो आप, मैं इसमें कर दूंगी. तो रूल्स तो मैथ्स के बेटे सेम ही रहते हैं ना. 16 माइनस 5 ओवर 4, 4 4 जा 16, 4 माइनस 5 माइनस 1. डिड वी डू दिस? सो व्हाई वी विल डू लाइक दिस हियर? एवरीवेयर रूल इज सेम, कैलकुलेशंस के रूल सेम है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन, माइनर सेगमेंट. लेट अस डिफाइन माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन एंड आर्क एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कोण. यहां पे माइनर आर्क लिखते हैं, माइनर आर्क एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कोण. ये कोड होती है, इसको कुछ बच्चे चोड भी कहते हैं. चोड नहीं है, ये कोड है. ठीक है, रीजन. हाँ मुझे पता है, मैंने यही कहा था. रीजन इनक्लोज बिटवीन माइनर आर्क एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कोड इज नोन एज माइनर सेगमेंट. देखना जरा ध्यान से. लेट मी टेक अ सर्कल, सेंटर माइनर आर्क. ठीक है, ये आर्क लिया मैंने. आर्क से बनने वाली कोड, कैसे कोड कैसे बनती है? एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके. ये मैंने एंड पॉइंट्स किए ज्वाइन. ठीक है, अब इस हिस्से को ध्यान से देखो. द पार्ट एट द बॉटम, लुक एट द बोर्ड पार्ट एट द बॉटम. दिस पार्ट इज इंक्लूडिंग वन आर्क विच इज द माइनर आर्क एंड वन कोड. सो दिस रीजन इज बेटर नोन एज माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट, रीजन इंक्लूडेड बिटवीन माइनर आर्क एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड. लेट अस डू मेजर सेगमेंट. उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक. मेजर सेगमेंट में रीजन इंक्लोज बिटवीन मेजर आर्क एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कोड. लो जी, ये पढ़ा आपका मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर मैथ्स की प्रॉब्लम यही है कि अगर ज्योमेट्री में हम किसी चीज की बात करते हैं तो उसके एरिया की भी बात करनी पड़ती है. या तो कल चीज की गल कर लो, एरिया विच पता नहीं क्यों आ जाता, पर हमें करनी पड़ेगी बात एरिया की. That means as we have learnt area of the minor sector and major sector, in the same way
we will learn area of minor segment and major segment. तो सबसे पहले मैं आपको minor segment के area की थोड़ी सी derivation करके दिखाऊंगी, क्योंकि नहीं तो बच्चों को रट्टा लगता है, फिर इसका area का formula थोड़ा बड़ा होता है. हम book वाला नहीं याद करेंगे, हम थोड़ा इसको simplified way में याद करेंगे. Let me tell you how. सबसे पहले आपने जिस सेगमेंट का एरिया निकालना है उसके कोड सर्कल के सेंटर पे हमें एंगल चाहिए. ये बना थीटा है, ठीक है, दिस इज द थीटा एंगल, राइट. अब मान लो कि ये रेडियस है सर्कल, हमें निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया. मैं सारे सर्कल को जरा रब कर दूं और इतने हिस्से में हम काम करेंगे. माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट इज शेडेड इन फ्रंट ऑफ यू, ये एरिया फाइंड करने के लिए हमें पूरे सेक्टर के एरिया में से, अगर आप देख रहे हो दिस इज फुल सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से दिस ट्राइंगल्स एरिया इज टू बी कट ऑफ सब्ट्रैक्टेड. सो आई एम गोइंग विद द डेरिवेशन दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of minor sector minus area triangle AOB. Agree? अब minor sector, अगर किसी sector का center पे angle theta है और radius r है, अभी अभी हमने formula क्या किया, theta over 360 into pi r square. Now the question is how to find area of this triangle. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कहीं इसकी डेरिवेशन नहीं है, बट फिर भी समटाइम्स आ जाता है पेपर में. एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, फिर पता होना चाहिए, माइनस करके आंसर आएगा. मैं इधर डेरिवेशन कर रही हूं. ये लिया मैंने ट्राइंगल, थोड़ा अलग से उठा, ये आर है, ये थीटा है, ये एओबी ट्राइंगल है. यू नो व्हेन वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वी नीड टू थिंग्स, वन इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल, अनदर इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूँ, इसको आप कह दो सी, ठीक है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है. तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर. ये 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द सेंटर आप ड्रॉ कर रहे हो, और आपको पता है दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये जो थीटा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है. तो ये क्या बना, थीटा बाय टू. ये भी क्या बना, थीटा बाय टू, ठीक है. इज इट ओके? सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर एंड वी नीड टू फाइंड दिस बेस विद द हेल्प ऑफ विच वी विल फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल. यहां तक सबको समझ आया? अब हमें परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है. मैं पहले इसको थोड़ा सा रब कर दूं और मैं इस ट्राइंगल में जरा वॉक करूं. इस ट्राइंगल की हेल्प से आई विल फाइंड ओसी that is perpendicular and AC which is sum of the part of the base. Base पूरा निकालने के लिए पहले उसका थोड़ा सा हिस्सा, चलिए पहले ये निकालते हैं. This is you can say ये आपका base होगा, ये आपका base होगा, ठीक है, और ये आपका hypotenuse होगा. क्या होता है base over hypotenuse? Pythagoras theorem पता नहीं कहाँ से आ गई. पाइथागोरस थ्योरम तो तब लगाएंगे ना अगर हाँ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा. थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, थीटा ओवर टू. दिस इज कॉस थीटा ओवर टू. ओए आपके पास आर है, इसको आर पुट कर दो, कॉस थीटा बाय टू. सो ओसी की वैल्यू आपके पास आ गई आर कॉस थीटा बाय टू. ओसी कम्स आउट टू बी आर कॉस थीटा बाय. हाँ ये तो अभी मैंने ओसी निकाला, परपेंडिकुलर निकाला ट्राइंगल का. हाँ जी, एनी डाउट? इसको इसकी डेरिवेशन का तो मैं लिख के भेज दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लो भी, स्मर्थ नु भेज दियो, ही इज ईगर टू हैव दिस स्क्रीनशॉट. अंशिका प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, सेंड इट टू स्मर्थ, ठीक है, ही इज ईगर टू हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सो ओसी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है, राइट.
वी नीड बेस एज वेल। चलो भी अब थोड़ा पूरा ट्रायंगल बनाएं। अब आपको बेस चाहिए और आपको पता है बेस में कौन कौन है, एसी एंड बीसी दोनों है, दोनों को ऐड करके हमारा एबी बेस बनेगा। तो लेट अस फाइंड एसी। पहले इसी ट्रायंगल में हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर 90 के साथ, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइन थीटा बाय, सो एसी कम्स आउट टू बी आर साइन थीटा बाय। चलो कल करेंगे इसकी डेरिवेशन, तब इतना हमारा बेस तक याद रखना।